सच्चे दिलों कीती सेवा कदे व्यर्थ नहीं जांदी, परमात्मा भी सुनदा है तुहाडी नेड़े होके। देखो किवें इस शख्स दे सुपने दे विच आके गुरु साहिब ने कहा कुछ जेहा कि इस शख्स दी बदल गई पूरी दुनिया। सत श्री अकाल, तुसी जुड़े हो NRI पंजाबी टीवी दे नाल। जद असी गल करदे आ गुरु साहिब दी, ते जद सच्चे मनो पूरा विश्वास करके असी उन्हां दे अग्गे किसे चीज़ दे लई अरदास करदे आ, ते गुरु साहिब साडी उस अरदास नूं जरूर सुणदे ने। जेकर असी गुरु साहिब तों कुछ मंगदे आ ते उह साडी इच्छा नूं जरूर पूर्ण करदे ने। अज इक अजिही गल दसांगे, बजुर्ग व्यक्ति जिस दे कि घर दे विच खाण दे लई रोटी तक नहीं हुंदी सी, उसदा बेड़ा पार गुरु साहिब ने इस तरह लगाया कि हुण पूरी दुनिया दे विच उस शख्स दा नाम चमकदा है। गल करते हैं इस बजुर्ग शख्स की, तो कहा जाता है कि 50 साल के करीब की इसकी उम्र सी। इसके बच्चे जेड़े एक लड़की ते एक लड़का ते नाल ही इसकी पत्नी, ये चारों जाने अपने किराए के मकान दे विच रहिंदे सी। बजुर्ग व्यक्ति जेड़ा वो कामकार करता सी, पर उसके कोल इन्ने पैसे नहीं सी हुंदे कि अपने घर नूं सही तरीके चला सके। लड़की की उम्र व्याह योग हो गई सी, तो जेड़ा लड़का सी उसनूं भी किते नौकरी नहीं सी मिल रही, बहुत ज़्यादा परेशान रहिंदा सी। पर उसने अपनी जिंदगी दे विच एक चीज़ जरूर सोची सी कि हर दिन वो सवेरे गुरु घर जाएगा, उत्थे जाके सेवा करेगा। अजिहे ही उसकी जिंदगी दे कई साल बीत गए और रोज़ाना जिहड़ा नतमस्तक होने लई गुरु घर जांदा सी, उत्थे जाके कदे जोड़ियां की सेवा करता सी ते कदे लंगर की सेवा करता सी। यानी कि उसनू गुरु साहब ते इन्ना क ज़्यादा यकीन सी, उसनू पता सी कि जेकर आने वाले समय दे विच मेरी जिंदगी सुधरेगी तो सिर्फ गुरु साहब के कारण ही सुधरेगी। उसने अपने बच्चों तो कई उम्मीदा लगाइया सी, पर उसके लड़के नूं नौकरी नहीं सी मिल रही। लड़का ठीक पढ़िया लिखिया सी, पर फिर भी कितने उसनूं जद चज की नौकरी ना मिली तो बुजुर्ग व्यक्ति काफ़ी परेशान रहन लगा। पर वो परेशानी दे विच भी गुरु घर जरूर आंदा, हस खेड के सब नाल गल करदा ते गुरु घर दे विच आके कदे लंगर दी ते कदे जोड़ियां दी सेवा जरूर करदा सी। एक दिन इसकी बच्ची दे लई एक वधिया रिश्ता आया, तो इसने रिश्ते दे लई हाँ कर दिती। बच्ची की मंगनी हो गई, पर इसके कोल इन्ने पैसे नहीं सी कि अपनी बच्ची का सही तरीके व्याह कर सके। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, तो एक दिन ये जोड़ियां की सेवा कर रहा सी, ते उत्थे एक सरदार जी आए जिन्हां ने कि पेंट कोट पाया सी, नाल ही उन्हां दे हाथ दे विच एक ब्रीफ केस सी। वह ब्रीफ केस इस व्यक्ति दे कोल रख के चले जाते हैं, तो इस व्यक्ति नूं कहिंदे ने कि मैं अंदर जाके नतमस्तक होवां, मैं गुरु साहब के दर्शन करावां, मैं वापस आवांगा तो तुहाडे कोलों अपना समान लै जावांगा, पर तद तक तुसीं मेरे इस समान की जिहड़ी है खास तरीके दे नाल देखभाल करियो, किसी नूं भी मेरा समान ना दिओ। जिस तों बाद ये व्यक्ति चला जाता, एक घंटा बीतता, दो घंटे बीत जाते हैं, पर शाम हो जाती है, वह व्यक्ति वापस नहीं आता। जिस तों बाद बुजुर्ग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो कहता है इस दे विच कोई अजिही चीज़ तो नहीं जिसके कारण मैं फस जावगा। वह ब्रीफकेस नूं खोलता है तो देखता है अंदर पैसे ही पैसे होंदे है, नोटा दियां थदियां ब्रीफकेस के अंदर पईयां होंदियां। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर उस तों बाद गुरु घर दे विच जाके उत्थे जिहड़े सेवादार हुंदे ने उन्हां नूं ब्रीफकेस दे दिंदा है, तो सब कुछ दस दिंदा है। जिहड़े सेवादार हुंदे ने उह कहिंदे ने कि ये ब्रीफकेस हुण तेरा है, तैनूं इह मिलिया है, असीं इह ब्रीफकेस नहीं लवांगे ना ही पैसे लवांगे, ये सब हुण तेरा है, क्योंकि अजिहा कोई व्यक्ति गुरु घर दे विच असीं आया वेख्या ही नहीं। जिस तों बाद ये शख्स होर ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहिंदा है कि मैं पैसे नहीं लै सकता, पर सेवादार इसनूं लगातार कहिंदे रहिंदे ने कि ये तेरा ही हक है, इन्हां पैसों दे उत्ते ये तू ही रख। फिर सेवादार दे वल्लों कई बार अजिहा कहण ते ये बजुर्ग जिहड़ा व्यक्ति हुंदा है इस दे विच्चों कुछ पैसे जिहड़ा है गुल्लक दे विच पा दिंदा है, ते कुछ पैसे जिन्नी इसनूं जरूरत हुंदी है वह पैसे अपने नाल कर लै जांदा है। कुछ ही समय बाद इसकी लड़की का विआह भी हो जाता है, बड़े वधिया ढंग दे नाल ये अपनी लड़की का विआह कर दिंदा है, ते जिहड़े बचे हुए पैसे हुंदे आ उहनां विच्चों अपने पुत्र नूं एक वधिया नौकरी भी लगवा दिंदा है, पुत्र की वधिया कमाई होण लग जांदी है, ते उह किराए दे घर तों एक वधिया घर लै लैंदे ने, ते हुण हर पासे इस बजुर्ग व्यक्ति नूं सब लोग जानदे ने। इस बजुर्ग व्यक्ति का यही कहना है कि मैं गुरु साहब ते इन्ना यकीन किया, गुरु साहब खुद मेरी मदद करन दे लई पहुंचे। ये अज भी गुरु घर जांदा है, उत्थे जाके नतमस्तक हुंदा है, भांड्यां दी कदी लंगर दी ते कदी जोड़ियां दी सेवा करदा है।